हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो आप लोग बढ़िया होंगे। गाइस, आप भी कुछ इस प्रकार का एडिटिंग करना चाहते हो तो गाइस वीडियो को बिना स्किप के इन तक देखना। तो गाइस, कुछ इस प्रकार का एडिटिंग करने के लिए एलायन मोशन ऐप की जरूरत है, तो आपके पास एलायन मोशन ऐप नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एलायन मोशन ऐप का लिंक दूंगा, आप सिंपली से डाउनलोड कर लेंगे। चले गाइस, बढ़ते हैं एडिटिंग की तरफ। जाने के पहले आप लोगों का रिक्वेस्ट करूंगा, आप वहाँ चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दिए। तो वैसे आप एलायन मोशन ओपन कर, मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, पटक पर क्लिक कर 2 बजे को इंपोर्ट करना है पे कर ये सॉन्ग बिटमार्क। इस दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप सिंपली डाउनलोड करके एलायन मोशन पे इंपोर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको सॉन्ग बिटमार्क पे यहाँ पर टाइप कर देना, तो सॉन्ग बिटमार्क पे टाइप करने के बाद कुछ होगा, सॉन्ग बिटमार्क ओपन करने के बाद कुछ आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर 15 सेकंड से लेके आपको एक एक करके यहाँ से फोटो ऐड करते जाना है। तो यहाँ पर आपको 15 सेकंड पर आ जाना है, प्लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है, यहाँ से अपनी फोल्डर को यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से एक फोटो यहाँ से चूज कर लेना है। चूज करने के बाद आपको ऊपर थ्री डॉट पर जाके फिर कंपोजिशन एरिया करना है। एरिया करने के बाद इस आइकन पर क्लिक करके आपको सॉन्ग के नेक्स्ट बीट पर जाना है। फिर इस आइकन पर क्लिक करके आपको जो सॉन्ग के जो सॉरी फोटो का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर देना है। फिर से प्लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है, यहाँ से एक अलग फोटो ले लेना है। थ्री डॉट पर जाके फिर कंपोजिशन एरिया करना है। इस आइकन पर क्लिक करके सॉन्ग के नेक्स्ट बीट पर जाना है। फिर इस आइकन पर क्लिक करके आपको जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर देना है। तो गाइस, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जितने सारे बीट है सारे बीट में आप लोगों को एक एक करके यहाँ से फोटो ऐड कर लेना होगा। तो कहते हैं यहाँ पर बहुत सारी बीट है तो आपको एक एक करके फोटो ऐड करना होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं थोड़ा वीडियो को कट कर देता हूँ, फिर आप लोगों को अगले के पार्ट बता दूँ। तो आज यहाँ पर देख सकते हैं सारी फोटो में मैंने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर मैंने फोटो ऐड कर लिया। सॉन्ग के बीट के हिसाब से जितने सारे बीट है सारे बीट में मैंने कुछ इस प्रकार से मैंने फोटो ऐड कर लिया। तो वैसे यहाँ पर फोटो ऐड करने के बाद आपको यहाँ से बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद आपको यहाँ पर सेग इफेक्ट पर चले जाना है। तो यहाँ पर सेग इफेक्ट पर जाने के बाद ये जो आपको नीचे जो इफेक्ट दिख रहा है इसको आपको टैप कर देना है। इफेक्ट पर जाना है, थ्रोट पर जाकर आपको कॉपी इफेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर कॉपी इफेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से बैक चले जाना है। तो यहाँ पर बैक जाके आपको यहाँ से बैक करके आपको सॉन्ग बिटमार्क पे चले जाना है। तो ऐसे सॉन्ग बिटमार्क पे जाने के बाद आपको चले जाना है जहाँ से आपका फोटो ऐड होना स्टार्ट हुआ, वहाँ पर आपको 15 सेकंड पर यहाँ पर आ जाना है। आ जाने के बाद फास्ट जो फोटो है उस पर टैप करना है, इफेक्ट पे जाना है, थ्रोट पे जाकर आपको पेस्ट पे कर देना है। तो सेम तरीके से आपको यहाँ पर नेक्स्ट जो फोटो है उस पर भी टैप करके इफेक्ट पे जाके थ्रोट पे जाके पेस्ट कर देना है। तो सेम तरीके से आपको यहाँ पर नेक्स्ट फोटो पे जाना है, नेक्स्ट फोटो पे जाने के बाद इफेक्ट पे जाना है, थ्रोट पे जाके यहाँ पर पेस्ट पे कर देना है। तो गाइस, यहाँ पर जितने सारी फोटो है तो यहाँ पर जितने सारी फोटो है सारी फोटो में एक कुछ इस प्रकार से आपको एक ही इफेक्ट यहाँ से ऐड कर लेना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी फोटो है तो सारी फोटो में मैं कुछ इस प्रकार से आपको इफेक्ट ऐड कर लेना होगा। तो यहाँ पर देखिए लास्ट जो फोटो है सेम तरीके से आपको फोटो पर टाइप करना, इफेक्ट पर जाने के बाद थ्रोट पर जाके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो आई होप आपको सभी समझ में आ रहा है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जितने सारी फोटो है इफेक्ट ऐड करने के बाद आपको यहाँ से बैक चले जाना है, बैक जाके आपको सेग इफेक्ट पे जाना है। तो यहाँ पर सेग इफेक्ट पे जाने के बाद ऊपर आपको यहाँ पर 5 लेयर दिख रहा है, तो इस पर भी टैप करके लॉन्ग प्रेस करके सिलेक्ट करके इस आइकन पे क्लिक करके कॉपी 5 लेयर कर देना है। तो यहाँ कॉपी 5 लेयर करने के बाद बिटमार्क पे जाना है। तो यहाँ पर बिटमार्क जाने के इस आइकन पे क्लिक करके पेस्ट 5 लेयर कर देना है। तो पेस्ट 5 लेयर करने के बाद यह पता कि ये वीडियो को इन तक करना होगा। तो आप सिंपली से यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके और सिलेक्ट करके वीडियो को इन तक आ जाना है, और ये जो आइकन दिख रहा है इस पर आपको टैप करके आपको वीडियो को इन तक ले आना होगा। तो यार इतना करने के बाद आपको सिंपली से आइकन पर क्लिक करना और वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, और गाइस आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।